बहरहाल एक राजनीतिक खबर भी आपको इस समय बता दें हम कि उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री, सीएम स्टालिन के बेटे हैं, मतलब मुख्यमंत्री के बेटे तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बन गए हैं। सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन अब डिप्टी सीएम बन गया। लेकिन चर्चा शिल्पा हमारी संवाददाता वहां से जुड़ रही हैं। शिल्पा, इस बारे में चर्चा बड़ी चल रही थी लेकिन आखिरकार अब ये तय हो गया है तमिलनाडु कैबिनेट में कि जो बड़ा फेरबदल किया गया है कि उदयनिधि अब डिप्टी सीएम तमिलनाडु के होने वाले हैं। जी जरूर, बहुत महीनों से ये बात चल रहा था तमिलनाडु पॉलिटिकल सर्कल्स में कि उदयनिधि स्टालिन जो है वो चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन का बेटा है, तो उनको एलिवेट करने की बात बहुत महीनों से चल रहा है और अभी ऑफिशियली हमें एक कंफर्मेशन मिल रही है। राजभवन से एक स्टेटमेंट आया है कि तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने रेकमेंड किया है उदयनिधि स्टालिन को डेप्यूटी सीएम की डेसिग्नेशन दिए और इस रेकमेंडेशन को गवर्नर ने एक्सेप्ट भी किया है। तो इफ आई कैन जस्ट रीड आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रेस रिलीज, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु हैज रेकमेंडेड टू द हॉनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु टू अलॉट द पोर्टफोलियो ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टू उदयनिधि स्टालिन, मिनिस्टर फॉर यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन एडिशन टू हिज एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियोज एंड बी डेसिग्नेटेड एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस स्टेटमेंट में कि उदयनिधि स्टालिन का डेसिग्नेशन अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो चीफ मिनिस्टर ने ये भी रेकमेंड किया है कि सेंथिल बालाजी, डॉक्टर गोविंद चड़ियान, आर राजेंद्रन और एस एम नासर को कैबिनेट में इंक्लूड किया जाए। अगर सेंथिल बालाजी की बात करें तो सिर्फ दो तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया था ईडी केस में और वो प्रिजन से बाहर आए और उनका भी री इंडक्शन अभी कैबिनेट में हो रहा है और ये सारी रिकमेंडेशन को गवर्नर ने स्वीकार किया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है तमिलनाडु, बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, काफी फेरबदल वहां पर। और क्या ये भविष्य का एक सक्सेशन प्लान है, भविष्य के संकेत है और मुमकिन है ऐतिहासिक हो पिता और बेटे के साथ एक राज्य में सीएम और डिप्टी सीएम का पद?